दोस्तों आजकल स्कूलों में यूडाइस का डाटा अपडेशन का काम चल रहा है। आपको अपनी क्लास के सभी बच्चों का डाटा अपडेट करना होगा यूडाइस पोर्टल पर। कैसे आप डाटा अपडेट करेंगे और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहें, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयरिंग करें ताकि सभी तक ये अपडेट पहुँचे और कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए दोस्तों, ये जो साइट है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये है एजुकेशन एजुकेशन का साइट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखता है, यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, चार पांच ऑप्शन, लाइक स्टूडेंट का है, SCERT का है, SCERT है, समग्र शिक्षा, और यहाँ पर मिलता है आपको यूडाइस प्लस। जैसे ही आप यहाँ पर यूडाइस प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन पोर्टल नज़र आएगा, थोड़ा सा वेट करने पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया यूडाइस का लॉगिन पोर्टल। अब यहाँ पर ये स्कूल की तरफ से आपको यहाँ पर ये लॉगिन करना है। सिंपल सा यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिलते हैं। पहले में आपको यहाँ पर स्कूल आईडी भरनी है, यहाँ पर स्कूल पासवर्ड भरना है, और ये वाला कैप्चा सिंपल सा यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे आपको क्या कर देना है, गो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाटा फिल कर देता हूँ। एक बार यहाँ पर मैंने सारा डाटा फिल कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर गो पे क्लिक कर देता हूँ। और गो पे क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस नज़र आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर आपको ऊपर ही टॉप में मिल जाएगा एक ऑप्शन मिलेगा यूडाइस का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको सबसे ऊपर यहाँ पर यूडाइस का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप यूडाइस पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपको मेन करना है एंट्री अपडेट, ये वाला ऑप्शन लेना है। सीरियल नंबर है, सेशन नंबर है, एंट्री अपडेट है, रिपोर्ट है, एंड एंट्री अपडेट। वहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको एंट्री अपडेट एंड सर्च। ध्यान से देखें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी क्लास की डिटेल ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको एक फिर से एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू एंट्री है या एडिट है, तो आपको क्या करना है, एडिट अपडेट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट आपको क्लास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लास एंड नीचे लिखा सेक्शन, तो आपको यहाँ पर क्लास और सेक्शन फिल करना है। जो भी आपकी क्लास है, जो भी सेक्शन है, आप यहाँ पर वो फिल कर लीजिए। प्री नर्सरी है, केजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जो भी है। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 8th क्लास कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपका सेक्शन होगा। और यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी सेक्शन यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया डाटा शो हो जाएगा, जो कि कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशिंग में टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ, आप बच्चों के नाम वगैरह ओपन हो जाएंगे सारे, आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो सारे आपको यहाँ पर नाम शो हो जा रहे हैं आपकी क्लास के। अब आपको सिंपल सा किसी भी बच्चे के यहाँ पर जो है एक कलर आ रहा है, पिंक कलर, ये रेड कलर, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर आ चुका है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम इसे करेंगे जूम, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरनी होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या आपको फिल करना है, ध्यान से समझे ताकि गलती ना हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है, चेक करना है आपको एक एक चीज़। तो 411 पे देखो, स्टूडेंट नेम है सबसे पहले, यहाँ पर फर्स्ट नेम आप बच्चे का चेक करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम, जो भी बच्चे का नाम है। जब भी आप यूडाइस का डाटा फिल करेंगे तो आप सारी डिटेल अपने पास लेकर के रखेंगे, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी मिस्टेक ना हो, एरर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर यूडाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, और अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप नाम देखेंगे, उसके बाद जेंडर, तो जेंडर में जो भी मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप यहाँ पर जेंडर वो भर देंगे बच्चे का। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे का आया होगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर उसे एडिट कर दे दें। उसके बाद यहाँ पर मम्मी का नाम और पापा का नाम, ये ऑलरेडी फिल्ड होगा, अगर नहीं है तो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन नेम, गार्जियन नेम में आप चाहें तो पापा का ही नाम वापस डाल दें या मम्मी का नाम डाल दें, कोई भी गार्जियन हो सकता है। गार्जियन के बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है आधार नंबर, तो
तो ये वाला आपको क्या करना है, आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, जो भी बच्चे का सही आधार नंबर है, कोई भी गलती ना करें। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, तो आधार में क्या बच्चे का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एड्रेस वाला ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस पर क्लिक करेंगे। एड्रेस के नीचे पिन कोड, तो ध्यान रखें एड्रेस ऊपर है और नीचे पिन कोड है, तो आप पिन कोड भी आप ध्यान से फिल करें ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। पिन कोड के नीचे आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, स्टूडेंट पेरेंट्स गार्जियन, तो सिंपल सी बात है भाई, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आप ना ही दें, और हो सकता है स्टूडेंट के पास नंबर भी ना हो, तो आप यहाँ पर पेरेंट्स का नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, अल्टरनेट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है अल्टरनेट नंबर, ये सारे के सारे ब्लैंक है, तो आपको ध्यान रखना है सारा डिटेल आपको फिल करना है। जो भी डिटेल आपको वहाँ पर मतलब कंप्लीट नहीं नज़र आती है, जो खाली नज़र आता है उसे आपको फिल करना है, तभी आप इसे सक्सेसफुली अपडेट कर पाएंगे। नीचे लिखा हुआ ईमेल एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, तो ईमेल एड्रेस जो भी बच्चे का है, अगर आजकल तो बच्चे भी ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं, अगर बच्चे का ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मदर टंग, तो मदर टंग क्या है भाई, आपकी मातृभाषा क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ऑलरेडी कुछ तो फिल होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मदर टंग मिल जाते हैं, हिंदी है, कनाडा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका मदर टंग है। उसके बाद देखोगे सोशल कैटेगरी, तो सोशल कैटेगरी आपकी ये भी ध्यान से आपको भरना है, बच्चा जनरल है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो इनको आपको सही से फिल करना है, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है माइनॉरिटी ग्रुप, तो माइनॉरिटी बच्चे की कौन सी है, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके देखो यहाँ पर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जो भी बच्चा है, जैन है या ना है, तो जो भी है वहाँ पर आप फिल कर देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर एन ए कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बिलोंगिंग ऑफ बीपीएल टू बीपीएल, तो बीपीएल से बिलोंग करते हैं क्योंकि बीपीएल का कार्ड होता है, तो आप बीपीएल वाला अगर यहाँ पर है तो ध्यान से बच्चे को पूछ लें बीपीएल वगैरह है या नहीं है। उसके बाद बिलोंगिंग ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता है, यहाँ पर यस और नो करेंगे। वेदर सीडब्ल्यूएसएन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है, यहाँ पर देखोगे तो ये रहा वेदर सीडब्ल्यूएसएन यस और नो, तो बच्चा जो है CWSN है, स्पेशल चाइल्ड है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखोगे वेदर द चाइल्ड इंडियन नेशनल, तो क्या जैसे बच्चा वो इंडियन है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप यस करेंगे। इज दिस चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, तो यहाँ पर आप सिंपल से नो करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं उसका मीडियम क्या है, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा फिर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से मिल जाता है ऑप्शन, और सिंपल सा आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट, बस छोटा सा काम है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह फिल करने के लिए आएगा आपके पास, और उससे भी आप छोटा सा एक दो स्टेप दो तरह स्टेप होंगे, उनको फिल करने के बाद आपका एक बच्चे का डाटा सक्सेसफुली हो गया। इसी तरह से दूसरे और तीसरे चौथे बाकी सभी बच्चों का आपको करना है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, अगर आपने ये ऑलरेडी पहले से भर दिया है या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दें। धन्यवाद।